स्वागत है आपका एक बार फिर से सेवेंजर क्रिकेट में। तो आज का जो हमारा मुकाबला होने वाला है ये अपने आप में एक राइवलरी है पुरानी, जो कि है भेटा हाजीपुर क्रिकेट टीम से, जिसके कैप्टन है हमारे फजल भैया। एक मैच इनसे हुआ था ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले, बहुत अच्छा मैच जीते थे भाई। आज ये दूसरा मैच है और हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अभी टॉस का टाइम है, टॉस भैया स्पिन करेंगे। आइए भैया, हेड टेल जी भैया बताइए। बॉल फर्स्ट। ओके भैया, थैंक यू सो मच। हमारी बैटिंग है भाई, पहले बॉलिंग करेंगे। अमिताभ बच्चन साथ भी आए हैं। सर बहुत अच्छी बात है सर, आपने टॉस जीता है, आज क्या राय है कि आप जो टॉस जीतते आप भाई बैटिंग पहले करेंगे, तो आपका क्या सोच है, आप कितना टारगेट सेट करना चाहेंगे? लगातार जीतती चली आ रही है और पूरी इनफॉर्म में है, आप पहले फील्डिंग करेंगे, तो आपकी क्या सोच है, कितने पे टारगेट पे सिमटा जाए सेवेंजर क्रिकेट टीम को, मास्टर की टीम को, जो बड़ी खतरनाक साबित हो रही है कुछ पिछले मुकाबलों से? और साहब जैसे कि आजकल सेवेंजर्स खेल रही है, जैसे हम देख रहे हैं वो बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है, और हमारी टीम का पहले हमने डिसाइड किया था कि हम चीज करेंगे, और चेज के साथ हम इसलिए बॉल फर्स्ट कर रहा है, हम इनसे कम से कम स्कोर पर रोकना चाहेंगे, और इंशाल्लाह और पूरी टीम जो है बाकी हम भी तैयार हैं इंशाल्लाह। स्वागत है आपका एक नए क्रिकेट मैच में। आज का मुकाबला होने जा रहा है सेवेंजर्स वर्सेस भेटा हाजीपुर क्रिकेट क्लब। टॉस हो चुका है, पहले टॉस जीती है भेटा हाजीपुर की टीम और बॉलिंग का फैसला लिया है। मैच शुरू हो चुका है, दोनों सलामी बल्लेबाज सेवेंजर्स के मैदान पर आ चुके हैं, आसिफ बॉडी और आकिब। और मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे साथ बहुत अच्छे कमेंटेटर, जिनकी बहुत प्रशंसा हो रही है YouTube पर, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, हमारे नौशाद जी आज बहुत कीमती अपना समय निकाल कर आए हैं, हमारे साथ कमेंट्री करेंगे, आप उनकी आवाज़ सुनते रहेंगे बीच बीच में। स्वागत है नौशाद जी आपका। और शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, प्रणाम। आमिर भाई, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्ट्राइक मुझे लगता है लेते हुए इस समय आप देख सकते हैं, आकिब जो है स्ट्राइक एंड पर हैं और आसिफ बॉडी जो है वो 9 स्ट्राइक पर हैं, और गेंदबाजी करने के लिए भेटा क्रिकेट क्लब के हाजीपुर की टीम के जो तेज गेंदबाज मुझे लगता है शायद मलिक लगते हैं, एस मलिक गेंदबाजी करेंगे जो हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड से। इस समय आप देख सकते हैं कैमरे में किस तरह यहां पर, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं ड्रेसिंग रूम यहां पर सेवेंजर क्रिकेट टीम का, सारे यहां पर प्लेयर इस समय काफ़ी खुश हैं क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है यहां पर, और आज काफ़ी उम्मीदें काफ़ी आशाओं के साथ उतरी है टीम। मैं सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं जो इस मुकाबले को देख रहे हैं। एस मलिक, हम तो दूर वाले छोर से पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार होते हुए लंबे लंबे डक भरते हुए एक बार फिर अंपायर के करीब से गुजरी, मिडिल स्टंप की गेंद थी, उछाल भरती हुई गेंद तेजी के साथ रन लेना चाहते थे, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड किया जाता शॉर्ट पॉइंट से बगैर किसी रन के, तो पहली डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है शॉन मलिक ने। चौथी गेंद के साथ एक बार फिर हम तो दूर वाले छोर से एस मलिक दौड़ना शुरू करते हुए लंबे लंबे डक भरते हुए एक बार मिडिल स्टंप की गेंद थी, कदमों का बेहतर इस्तेमाल किया जब तक मिडाउन की तरफ शॉट मिडाउन की तरफ गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर को बदला, तो पहला रन लेते हुए आकिब के बल्ले से निकला पहला रन सेवेंजर क्रिकेट टीम के लिए 4 गेंदों से अभी तक आए कि वालिद साहब भी खेल रहे हैं, उनके साथ जारी अगली गेंद एस मलिक के तेज कदमों के साथ स्टंप से बाहर, गेंद बेहतरीन तरीके से खेला है लेकिन मिसफील्ड हुई, यहां पर तेजी के साथ एक रन लिया और बेहद चहलकदमी और इत्मीनान का परिचय देते हुए 2 रन यहां पर लेते हुए जब तक देखते हैं थ्रो पहुंचता है क्या रनिंग विकेट है। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि आपकी विकेटों के बीच बहुत ही अच्छा दौड़ते हैं, तो यहां पर 3 रन लेते हुए पहला ओवर समाप्त हुआ, स्कोर है 4 रन बगैर किसी नुकसान के ही खेली थी। तो अब गेंदबाजी करने के लिए साहिल आए हैं, कोच सर, और साहिल की बेहतरीन गेंद को बेहतरीन तरीके से खेला है जब तक गेंद को मिड विकेट पर फील्ड किया जाता, दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहद इत्मीनान के साथ अपने छोर को बदलते हुए 1 रन लिया। संयम से खेलते हैं, सेट होते हैं पहले पूरी तरह से, इस बार बेहतरीन तरीके से इसको खेला है और इसी के साथ और ये 4 रन के बाहर 4 रनों के लिए बेहद खूबसूरत शॉट यहां पर आकिब के बल्ले से निकला हुआ पहला सेवेंजर के लिए चौका लगता हुआ हथकंडे खोलती हुई इस समय जबरदस्त अंदाज में आकिब के बारे में 2 ओवर के खत्म होने पर 15 रन बना लिए हैं बगैर किसी नुकसान के, जिसमें आसिफ बॉन्ड दूर वाले झोल से फैजान दौड़ना शुरू करते हुए लंबे लंबे डक भरते हुए अंपायर के करीब से गुजरे और इस बार अच्छी गेंद और इसी के साथ ये 4 रनों के लिए बाई के रूप में बहुत अच्छी गेंद दी आमिर भाई, निश्चित तौर पर यहां पर
फैजान को शायद ऐसा लगा कि ये विकेट मिल जाएगी, लेकिन विकेट कीपर से भी चूक हुई और यहाँ के भाई के रूप में 4 रन अतिरिक्त। जी हाँ बिल्कुल, 2.3 गेंदों में स्कोर हो गया है 21 रन। एक बार फिर बेहतरीन शॉट, खाली क्षेत्र देखकर इसी के साथ ये 4 रनों के लिए खूबसूरत शॉट। आसिफ पौड़ी इस समय अपनी लय में नजर आते हुए उन्होंने कहा कि आखिर किस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। सामना करते हुए तेज कदमों के साथ फैजान ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, एक बार अच्छी गेंद थी, जोरदार अपील की गई, लेकिन विश्वास पे ज्यादा उत्साह में कम और अंपायर ने इसको नकार दिया। किस्मत वाले रहे आकिब, क्रीज पे डटे हुए हैं और इसी के साथ 3 ओवर का खेल खत्म हुआ। स्कोर कुल मिलाकर 26 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंद एक बार फिर साहिल गेंद से दूर, वाले छोर से पटकी हुई गेंद, बेहतरीन शॉट और इसी के साथ बाहरी कोटा किनारा लगा, 4 रनों के लिए ये थर्ड मैन के बाहर। खूबसूरत शॉट, बहुत ही जबरदस्त कहना होगा यहाँ पर मुकाबला चलता हुआ। 4 ओवर का खेल अब खत्म हुआ है, स्कोर बन गया है 36 रन से। बॉलिंग में तब्दीली की है, फजल आए हैं जो की काफी खूंखार गेंदबाज है, देखिए थोड़ा संभल कर खेलना होगा। सामने आकिब है, आसिफ बॉडी का बल्ला उठा है, बिल्कुल ये शॉट है, बिल्कुल आ लगी, फील्डर मौजूद है तो सिंगल के साथ बिल्कुल अड्डा वाल करेंगे जी, 2 रन के साथ बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर आसिफ और आकिब की एक अच्छी पारी, जो शुरुआत की जरूरत थी वो यहाँ पर मिलती हुई। 41 बन चुके हैं, बेहतरीन शॉट खेला है मिड विकेट के बाहर, 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। शाम क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही बढ़िया, क्या कमाल का शॉट है, बिल्कुल ये ग्राउंड के बाहर जानी चाहिए थी, बॉल थोड़ी मिस हुए, ताकत का फुल यूज करना चाह रहे थे। और देखिए नौशाद जी, आकिब की बल्लेबाजी में खूबसूरती नजर आती है, बहुत आराम से शॉट खेल देते हैं। 5 ओवर में 45 रन बना दिए हैं सेवेंजर क्रिकेट टीम ने। अगली गेंद के साथ एक बार फिर बेहतरीन शॉट खेला है, लेकिन कहना होगा कि फील्डर वहां पर मौजूद है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बेहल चहल कदमी इस्तेमाल से अपने छोर को बदला और स्कोर पहुंच गया है 46। बहुत जल्दी जल्दी देखते थे अगली गेंद साहिल की, एक बार फिर हम तो दूर वाले छोर से बेहतरीन शॉट खेला है और इसको देखने की जरूरत है, यह 6 रनों के लिए पहला यस, बहुत ही बढ़िया कमाल का चक्कर मारा है, बिल्कुल बाउंड्री के बाहर है। यहाँ पर हम आकिब की बात करते हैं, जिनकी आंखों में अंगारे नजर आते हुए गेम फुटबॉल की तरह देखते हुए प्रेशर में थे, कोई लंबी हिट लगाना चाहते थे शायद, लेकिन इस बार कामयाब होते हुए ताबड़तोड़ 112 मीटर का बेहतरीन गगनचुम्बी छक्का जड़ वाला, वाह 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 वाह, क्या बात है, पूरे 54 रन हो चुके हैं तो आसिफ की रन संख्या हो गई है 26। क्या लगता है, प्रशंसा करनी होगी हमारे कमेंटेटर की, नौशाद जी जो है आंखों से जो है दूरी बता देते हैं कितनी दूर बॉल गई है। टॉस हारने के बाद सेवेंजर क्रिकेट टीम बैटिंग करती हुई अगली गेंद बदल की, बेहतरीन तरीके से इसको भरपूर तेज खेला है, 1 रन तेजी के साथ लिया, बहुत लंबी दौड़ लगानी पड़ी फैजान को, लेकिन 1 रन से तो नहीं रोक पाएंगे। 57 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 7 ओवर में 59 रन बना लिए हैं बगैर किसी नुकसान के। और गेंदबाजी करने के लिए हैं फजल खान के वालिद साहब, पिताजी सलीम पहलवान, जो काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी बड़ी शख्सियत हैं इस समय, और आज आप देख रहे हैं इनको गेंदबाजी के लिए, ये भी एक पहला मौका है कि इनके साहबजादे साहब भी हैं और वालिद साहब भी खेल रहे हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, इस बार अच्छी टर्न कराते हैं लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे, और इसी के साथ चहलकदमी बेहद इत्मीनान के साथ अपने छोर को बदला सेवेंजर क्रिकेट टीम और दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज। और इस बार लटकली झटकली घुटकली गेंद किस्म की और इसे खोद कर जैसे निकाला है 4 रनों के लिए आसिफ पौड़ी, ये नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बड़े खतरनाक साबित होते हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बहुत ही अच्छा इनका रिदम आया। 8 ओवर में 71 रन बन चुके हैं आमिर भाई ने, बहुत अच्छा ओवर कहूंगा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, 2.3 गेंदों पे भी सिर्फ 17 रन खर्च किए हैं दूसरे गेंदबाजों के मुकाबले, किफायती गेंदबाज साबित होते हुए। और बेहतरीन शॉट खेला है, हालांकि दौड़ लगानी पड़ेगी, बहुत अच्छी यहाँ पर फील्डिंग की है लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज, जिस तरह की रनिंग कट गेंद विकेट करते हैं, लेकिन सराहना करनी होगी इतनी अच्छी फील्डिंग की, इतनी 1v1 का मुकाबला जिसमें, चलिए अगली बॉल, ओहो ये बहुत ही ज्यादा करीबी मामला था, चलिए ओवर की समाप्ति
तो 10 ओवर का सूरत हाल ये है कि 83 रन बना चुकी है टीम सेवेंजर्स, कोई विकेट अभी तक नहीं गवाया है। आसिफ 41 रन पर खेल रहे हैं और आकिब 34 रन पर। दोनों ही बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है आज, और बेटा की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि विकेट मिले, लेकिन नाकामयाबी हासिल लगी है अभी तक। तो 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, अब बॉल दूसरे छोर से फेंकी जाएगी। शान खोल देना, और ये अपील हुई है और ये पहली सफलता मिली यहाँ पर। उसी के साथ ये आसिफ बॉडी, जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते थे, आखिरकार यहाँ पर आउट होते हुए। बहुत बड़ी विकेट यहाँ पर, निश्चित तौर पर आसिफ बॉडी जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, आज पूरे फॉर्म में थे। काफ़ी ताबड़तोड़ उन्होंने चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए, और अपने कप्तान को आज निराश होने नहीं दिया। लेकिन आखिरकार पगवाड़ा LBW विकेटों के सामने पकड़े गए और बहुत ही बड़ा विकेट यहां पर मिला है। और इसी के साथ आसिफ बॉडी पवेलियन की तरफ जाते हुए, और अब देखते हैं बल्लेबाजी के लिए कौन आएंगे। लेकिन उम्मीद है शायद बल्लेबाजी के लिए मास्टर जी आएंगे, क्योंकि उन्होंने ही वन डाउन के लिए बैट किए थे। लेकिन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये देखिए हाथ हिलाते हुए, बहुत ही खुश चेहरा, बहुत ही बढ़िया। पहला विकेट मिला है तो खुशी की लहर क्यों नहीं होगी। और यहाँ पर ये चेहरा देखिए आपके सामने, मास्टर जी बल्लेबाजी करते हुए जाते हुए, बताने की तो जरूरत है नहीं, सभी लोग जानती है, दुनिया इनकी फैन है, करोड़ों इनके फॉलोवर हैं, चाहते हैं, दिलों में बसाए हुए हैं। और स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर फजल और सलीम पहलवान जी। जी हाँ बिल्कुल, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं अगली गेंद के साथ। मास्टर जी ने हल्के से खेला है, बेहतरीन शॉट खेले हैं, फाइन लेग के शॉट, फाइन लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, इकलौते एक रनों के लिए स्कोर 88 रन हो गया है, और आज भी उसी अंदाज में खेलने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आपके बेहतरीन शॉट खेला, इस बार फॉरवर्ड आ गए, हाफ स्टंप से बाहर खेलकर 4 रन, वो पूरा शॉट आप स्क्रीन पर देखिए। ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं आकिब के बारे में मैं लगातार आपको बताता हूँ कि ये अगर एक बार सेट हो गए तो परेशानी का सबक बन सकते हैं ये बेटा क्रिकेट क्लब हाजीपुर के लिए। बहुत ही नामी ग्रामी शख्सियत आपके सामने गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये जो गेंदबाज हैं वो आपके सामने सलीम पहलवान, काफ़ी शख्सियत हैं, बहुत ही अच्छी। अगली गेंद के साथ एक बार फिर, और मास्टर जी उठाकर खेला है और इसी के साथ आउट हो गए। ये जो मास्टर जी का विकेट है, ये सलीम पहलवान नहीं दिया, मास्टर जी को गले लगाया सलीम पहलवान ने, अपने आप में बहुत खुश नजर आए होंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा विकेट लिया है, जबरदस्त विकेट है यहाँ पर, बहुत ही खुशी है टीम को। आगे बढ़ के मारना चाहते थे लंबी हिट, लेकिन बॉल जो है किनारा लगकर ऊपर उछल गई और सफलता मिली यहाँ पर सलीम पहलवान जी। तो सलीम पहलवान जी ने 4 ओवर 2.4 गेंदों से 25 रन खर्च किए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी विकेट, बैक टू बैक दो बल्लेबाज लगातार आउट हो गए। और यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए फजल खान और मास्टर जी आपस में हंसते हुए, कोई ऐसा नहीं है तनाव है चेहरे पे कि आउट हुए हैं तो चेहरा थोड़ा सा वैसा हो, खुश हैं अपने आप में, हमेशा खुश रहते हैं। और क्रिकेट जैसा कि आप जानते हैं दो दिलों को जोड़ने वाला मैच है। चलिए अगले बैट्समैन भूरा मलिक, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 150 के स्ट्राइक रेट से ऊपर के खेलने वाले बल्लेबाज आ चुके हैं आपके सामने। चलिए 12 ओवर की समाप्ति, 95 रन 2 विकेट के नुकसान पर टीम सेवेंजर्स। चलिए चलिए अहमद आए, बहुत ही बढ़िया, ओ ये एक कर कर आ रहा शॉट है, ये ग्राउंड के बाहर है, बहुत अच्छी कोशिश की थी, जितनी ज्यादा ऊंचाई थी, सॉरी कि मुझे लगा कि ग्राउंड के बाहर है, बट बहुत ही ज्यादा करीब थी, फील्डर के लगी है, देखना होगा उधर की साइड में, बिल्कुल काफी देर तक बहुत तेज लगी, हाथ पे बॉल लगी बहुत ज्यादा तेज, अच्छी, देखना होगा ज्यादा तेज ना लगी हो, क्योंकि अभी अभी 13वां ओवर चल रहा है, पहली बॉल, रेस्ट के नहीं गए हैं, बिल्कुल ना, चलिए रेस्ट के नहीं गए हैं, बहुत ही बढ़िया, अच्छी कोशिश, चलिए अगली बॉल, आसिफ बहुत ही बढ़िया, आकिब के 4 रन, बिल्कुल ना, 6 नहीं मिलेंगे तो 4 मिलेंगे। आकिब ने अपने जो इरादे हैं वो पूरी तरह से बता दिए हैं कि अब वो पूरे हाथ खोलकर खेलेंगे। बिल्कुल,
बहुत ही अच्छी कोशिश की थी छक्का लगाने की और 100 रन पूरे, बहुत ही बढ़िया 101 रन, 12 रन खर्च कर चुके हुए। एक बड़ी मछली जार में जरूर फंसी थी और इस बार बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया और इसी के साथ ये ग्राउंड के बाहर है बिल्कुल छक्के के साथ, आज अपने छक्के के साथ 50 रन पूरे हुए, अपना 8 शतक पूरा करते हुए 55 रनों के व्यक्तिगत स्कोर, बहुत ही बढ़िया। जैसा कि मैंने आपको दर्शकों को बताया था कि आकिब लगातार यहां पर बहुत अच्छी 85 रन बना रहे हैं, उसी अंदाज में आज भी लगता है कि मैन ऑफ द मैच के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ा दिया है छक्के के बाद, आज तक अपना पूरा किया है छक्के के साथ, बहुत बढ़िया ये गेप पे शॉट मारने की पूरी कोशिश थी, एक 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 सिंगल के साथ बिल्कुल कूल रहते हैं, कोई शिकन इनके चेहरे पर नजर नहीं आती, कोई थकान नजर नहीं आ रही है और बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी है। अगले बॉलर आए हैं शौकीन मलिक, काफी तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं ये, शानदार ऑलराउंडर हैं। चलिए शौकीन पहली बॉल पर शॉट, जबरदस्त एक टप्पे में बाउंड्री के बाहर 4 रन, बेहतरीन शॉट यहां पर आकिब की आंखों में अब अंगारे, जिन्होंने 5 गेंदों पे 8 रन खर्च किए हैं और इसे बेहतरीन तरीके से खेला और ये आउट हो गए, क्या गजब का कैच लिया है, मैराथन पारी खेलने के बाद अपने आप से नाराज जरूर होंगे, हालांकि इसे खेलना चाहते थे ऊपर से पॉइंट के मारना चाहते थे लेकिन 65 रन की बेहतरीन पारी और ये देखिए सलीम पहलवान जी को गले लगाते हुए चिपकाते हुए ये प्यार बरसाते हुए, ये क्रिकेट दो दिलों को जोड़ने का खेल है, तोड़ने का नहीं है, ये भाईचारे का खेल है। अफजल हबीबी क्या गजब की लंबाई है इनकी, लगभग 6.5 फुट के हट्टे कट्टे लंबे चौड़े हैं, दो इस समय लंबे बल्लेबाज आपको क्रीज में नजर आएंगे, एक तरफ भूरा मलिक जिनकी आंखों में अंगारे रहते हैं, दूसरी तरफ देखिए हमारे सलीम पहलवान एक महान शख्सियत जिनकी तूती बोलती है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया हाथ हिलाते हुए एक बार फिर सामने भूरा मलिक, बेहतरीन शॉट खेला है रोकने का प्रयास, कवर ड्राइव है, कवर ड्राइव बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत अच्छी आमिर भाई बल्लेबाजी करते हुए जैसा कि आप नौशाद भाई बिल्कुल, और अभी हमने इशारा देखा था मास्टर जी का, आवाज लगा रहे थे कि उन्हें 200 रन का स्कोर चाहिए, चुप रहना, चलिए अगली बॉल और इसको खेला है इसी के साथ, बहुत ही शानदार 4 रन, अफजल हबीबी अभी समय अपनी लाइन में आते हुए उन्होंने देखा उनके पार्टनर भूरा मलिक चौके लगा रहे हैं तो उनसे पीछे नहीं, बिल्कुल स्कोर 140 रन, 3 विकेट गॉन एंड ओवर नंबर 16 गॉन, फिरोज जैदी बहुत अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए पलक झपकते ही इन्होंने स्टंप गिरा दिए लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज पे थे एक बार फिर, और इस बार भोला मलिक ने बेहतरीन खाली क्षेत्र देखकर खेला है, फजल खान बहुत अच्छी दौड़ लगाते हुए गिरते हुए पड़ते हुए अपने चोट की ना परवाह करते हुए लेकिन गेंद से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन इस चौके के साथ साथ उनकी फील्डिंग की भी सराहना की गई, कोशिश प्रयास जरूर किया उन्होंने, और अफजल हबीबी और भूरा मलिक जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 148 148 रन, 17 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 18 गेंदों पे क्या 49 रन बना पाएंगे, ये दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज लंबे चौड़े हट्टे कट्टे 95 और ये शानदार शॉट है हवा में और ये विकेट है, ये एक और सफलता मिलती हुई अफजल हबीबी की सफलता, देखिए मुस्कुराहट देखिए बहुत ही बढ़िया, और जैसे ही अफजल दिख रहा है थोड़े बहुत ही बढ़िया, और देखिए ओवर कम बचे हैं, बोले कम हैं नौशाद भाई, तो इस तरह के शॉट जो हैं लगाने पड़ेंगे, रिक्सी भरा बड़े रन बनाने पड़ेंगे, इस चौके और छक्के आते हैं तभी बड़ा स्कोर बन पाएगा, चलिए इमरान शिकारपुरिया अपने शिकार को तलाश करते हुए ये आज फॉर्म में, देखिए लास्ट में गए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दिखने वाली है आज, तो आज वक्त है इनके पास उन 16 बॉलों को बदलने का, 17.3 गेंदों से 15 गेंदों का खेल बाकी है, अगली गेंद के साथ साहिल तेज कदमों के साथ बेहतरीन शॉट खेला है इसी के साथ, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया अपने शिकारपुरिया कभी शिकार को खाली नहीं छोड़ते हैं, मौका मिलते ही दबोच लेते हैं और उसका पूरा फायदा उठाया,
पहली गेंद पर 4 रन से खाता खोला। क्या मास्टर जी की जो मंत्र गणना है 200 रन की वहां तक पहुंचा देंगे? अभी भी काफी विकेट, 6 विकेट सुरक्षित है, लेकिन क्रीज पर इस समय खतरनाक बल्लेबाज इमरान शिकारपुरिया और दूसरे भूरा मलिक हैं। 158 रन बन चुके हैं अगली गेंद के साथ। बेहतरीन शॉट भरपूर वाला है 4 रनों के लिए, ये काफी बढ़िया पहला खेला था। बेहतरीन शॉट लगातार यहां पर इमरान शिकारपुरिया अपने शिकार को दबोचते हुए लगातार हवाई फायर करते हुए 2 लगातार चौके लगा चुके हैं सिर्फ 2 गेंदों पे 8 रन। बहुत ही बढ़िया सीनियर खिलाड़ी हमारे गुरुजी। 13 गेंदों पे क्या 38 रन बना पाएगी टीम? कोई मुश्किल काम नहीं है। क्रिकेट बेहद अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक आखिरी गेंद ना पिक जाए इसके बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। और ये हैट्रिक, गजब की हैट्रिक लगाई है, ये चौके के साथ हैट्रिक का शॉट है। 3 गेंदों पे 12 रन कंटिन्यू, बेहतरीन शॉट, हर तरह की शॉट आपको देखने। चलिए खैर अगली बॉल, ये शॉट, बेहतरीन शॉट, और ये 4 रन है, बहुत ही बढ़िया 4 के साथ 170 रनों का स्कोर 18.1 गेंदों से। क्या 11 गेंदों पे अभी भी 30 रन बना पाएंगे? आंखों में अंगारे अब नजर आते हुए खौफनाक। अगली गेंद के साथ एस मलिक की मलिक के बल्ले से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, ये शेर की तरह वापसी करते हुए टीम सेविजर। ये देखो इधर, ये जज्बा, ये जज्बाहट है, ये मुस्कुराहट है, पूरा ड्रेसिंग रूम इस समय खुशी से नाचता हुआ झूमता हुआ। एक बार फिर तैयार होते हुए भूरा मलिक किस तरह का शॉट खेलते हैं, अंपायर को क्रॉस किया और मारा, बाहर गेंद उठाकर मारा है 6 रनों के लिए। लगातार पिछले कई मुकाबलों में चेस कर रही थी, लेकिन फजल एक बार फिर दौड़ना शुरू करते हुए पवेलियन एंड से हमसे दूर बाले छोड़ते हैं। इमरान शिकारपुरिया तैयार होते हुए बेहतरीन शॉट खेला है, गजब का शॉट 4 रनों के लिए, ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए ताबड़तोड़ 188 रन। और मुझे लगता है जो मास्टर जी की मंत्र गणना है 200 रन की वो लगभग उसको भी क्रॉस कर देंगे जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही आला किस्म का भरपूर शॉट लगाया। एक बार फिर दूर बाले छोड़ते फजल खान दौड़ना शुरू करते हुए और इस बार बेहतरीन शॉट, फिर 4 रन, बहुत ही बढ़िया। लॉन्ग ऑन की तरफ खेलते हैं, कभी वो स्क्वायर कट कर देते हैं, स्कोर हो गया है ताबड़तोड़ 192 रन। अब 8 रन दूर है और 4 गेंदों पे 8 रन बड़े आराम से, यानी कि 200 के आंकड़े के बिल्कुल करीब पहुंचती हुई जाए। 3 गेंदें बाकी रह गई हैं। फजल खान एक बार फिर पवेलियन एंड से बेहतरीन शॉट खेला है, ये अच्छी कोशिश है के लिए 197 रन। आप देख सकते हैं मास्टर जी की चेहरे की मुस्कुराहट, क्यों नहीं मुस्कुराहट होगी, क्योंकि उन्होंने जो निर्देश दिया था 200 रन का। और मलिक 44 रन पर क्या छक्का लगाकर 50 रन का आंकड़ा पार करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खेला है, 1 रन तेजी के साथ लिया है, मिस फील्ड हुई 2 रन लेते हुए और इसी के साथ 201 रन, 200 का आंकड़ा पार करती हुई टीम। बहुत ही बढ़िया 201 रन, ये देखिए 200 का स्कोर बनाना है, मंत्र गणना थी वो पूरी होती हुई, उसको क्रॉस करती हुई, ये देखिए आज एक खुशी का जश्न है, ये भूरा मलिक कुछ कर दिखाया लड़कों ने आज। 46 रन की बेहतरीन पारी खेली इमान इमरान शिकारपुरिया, आज गजब की बल्लेबाजी की है, गेंदबाजों को आज पूरी तरह छकाया, हर क्षेत्र में शॉट लगाया, चाहे वो लॉन्ग ऑन होए, चाहे मिड विकेट के बाहर होए, चाहे स्क्वायर कट होए, हर तरह के शॉट खेले और काफी सराहना की गई बल्ला को हवा में लहराते हुए मुस्कुराते हुए। आज उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इनका नाम इमरान शिकारपुरिया है। 201 रन बनाए हैं 20 ओवरों में, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। पहला ओवर पहली पारी समाप्त हुई, बहुत शानदार बल्लेबाजी रही टीम सेवेंजर की और बहुत बड़ा स्कोर ये भेटा हाजीपुर क्रिकेट क्लब के लिए। 201 रन बनाए हैं और 202 रन की चुनौती दी है यहाँ पर। चलिए स्वागत है दूसरी पारी की शुरुआत के लिए टीम सेवेंजर्स के सारे
फील्डर सारे खिलाड़ी मैदान पर आ चुके हैं। रणनीति यह है कि स्कोर तो अच्छा बना लिया है, अब दूसरी टीम को किस तरह से आउट किया जाए, खिलाड़ियों को किस तरह से उन्हें रोका जाए रन बनाने से, यही मतगणना चल रही है। भेटा हाजीपुर क्रिकेट क्लब के दोनों सलामी बल्लेबाज भी मैदान पर आ चुके हैं। पहला ओवर अर्शद करेंगे, हमेशा की तरह सेवेंजर्स की तरफ से पहला ओवर अर्शद डालते हैं और विकेट लेने में भी कामयाब रहे हैं अभी तक। अर्शद एक बार फिर अपने दूर बाले छोड़ते, गेंद की बहुत अच्छी गेंद थी, इसको खेला आपने फॉलो थ्रो में, बेहतरीन तरीके से गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। अर्शद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हमसे दूर बाले छोड़ते तेज कदमों के साथ। एक बार फिर अर्शद ने दौड़ना शुरू किया, मिड विकेट की तरफ गेंद थी, इसको खेला है और आउट कर दिया। जैसा कि यहां पर इस समय आप स्क्रीन पर देखिए, जैसा कि बनी भाई ने कहा था, यहां से आवाज लगाई थी अपने, जी हां बिल्कुल, अपने टीम के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए। बनी भाई ने जैसा कि कहा था कि यहां पर जो है दो विकेट चाहिए हैं, हालांकि एक विकेट दे दी है। अर्शद की बहुत अच्छी गेंद थी और यहां पर अपने आप से हताश निराश पवेलियन जाते हुए बल्लेबाज इमरान बेहता पहली गेंद खेली और यहां पर आउट हो गए। पहला बहुत ही ज़बरदस्त विकेट गिरा है बेहता क्रिकेट क्लब के लिए, एक निराशा की ये बात है और बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंसाई। और जैसा कि आपको मालूम है कि अर्शद बहुत ही सक्षम गेंदबाज है, अर्शद जेल आए हैं नए बल्लेबाज, यानी कि अर्शद टू अर्शद, अर्शद के सामने अर्शद गेल जो हैं वो बल्लेबाज होंगे। बहुत ही बड़ा विकेट गिरा था इमरान का, जहर उगलते हुए गेंदबाजी से तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए अच्छी गेंद, कदमों का बेहतर इस्तेमाल किया लेकिन शॉर्ट फाइन लेग मौजूद है, बेहतरीन यहां पर फील्डिंग। क्या फील्डिंग करते हैं आरिफ, जिन्होंने गिरते हुए पड़ते हुए गेंद को रोका, एक रन से नहीं रोक पाएंगे, तीन रन का स्कोर हो गया है एक बल्लेबाजों के आउट होने के बाद। पहला ओवर इस तरह से समाप्त हुआ, विकेट मिला ओवर से, अगले बॉलर आए हैं भूरा मलिक, लगभग उनका 15 कदम का रन आ गया, तो दूर बाले छोड़ते दौड़ना शुरू करते हुए हम पार के करीब से गुजरे, अच्छी गेंद थी, इसको किसी तरीके से खेला है लेकिन शॉर्ट पॉइंट से आके चीते की तरह झपटते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, यहां पर 6 रन बनते हुए और इसी के साथ दो ओवरों में 6 रन। चलो लगातार गेंदबाजी का क्रम जारी रखते हुए पवेलियन एंड से दौड़ना शुरू करते हुए अंपायर के करीब से गुजरे, मिडिल स्टंप की गेंद थी, बेहतरीन तरीके से खेला है, कोशिश पर 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर, पॉइंट के बाहर। काफी देर से जकड़न महसूस कर रहे थे अहमद, लेकिन उस जकड़न को दूर करते हुए और चौके में तब्दील करते हुए पहला चौका लगता हुआ बेहता क्रिकेट क्लब हाजीपुर की तरफ से। चलिए बहुत बढ़िया, अर्शद 24 कमाल की गेंदबाजी, विकेट उड़ाने में पूरे, ओ फिरोज भाई का बहुत अच्छा एफर्ट था पर पीछे, कोई नहीं, सीधे 4 रन के साथ बहुत ही बढ़िया, ये अच्छी गेंदबाजी हो रही है। अच्छा अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर अहमद के द्वारा, मारते तेज कदमों के साथ एक बार फिर दौड़ना शुरू करते हुए भूरा मलिक अंपायर के करीब से गुजरे, गेंद की इस बार इसको खेल दिया है निश्चित तौर पर, यहाँ पर 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं, मास्टर जी के बहुत से दूर गेंद और इसी के साथ 4 रन के साथ स्कोर 21 रन 3.4 गेंदों से। फजल खान भी खेल रहे हैं, सलीम पहलवान माशाल्लाह जानी मानी शख्सियत हैं, एक अपने आप में उनका रुतबा है। अगली गेंद थी इस बार, बेहतरीन तरीके से कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन आरिफ गेंद को रोक लेंगे, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए, सराहना करते हुए एक रन लेने में कामयाब, स्कोर 23 रन का स्कोर 4 ओवर में 23 रन, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए आकिब और फिरोज। एक बार फिर हम तो दूर वाले छोड़ते पटकी हुई गेंद, बेहतरीन शॉट खेला है, इसी के साथ ये 6 रन के लिए खूबसूरत शॉट, इसको खेल दिया है पॉइंट के ऊपर से पहला छक्का लगाते हुए बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज अहमद, जिनकी रन संख्या अब तेजी के साथ बढ़ती हुई 20 रन हो गई है, टीम का स्कोर हो गया है 19 रन बन चुके हैं 4.3 गेंदों से। 5 ओवर का खेल खत्म हुआ है, धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हुई लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे बढ़ता हुआ। आमिर भाई क्या लगता है आपको, 5 ओवर में 32 रन बन चुके हैं, एक बार दूर वाले छोर से गेंदबाजी करेंगे और अभी भी मुझे लगता है कि शायद आमिर भाई जो सर्किल का है वो 6 ओवर का जो घेरा है अभी भी उसमें एक ओवर बाकी, अफजल अभी भी तेज कदमों के साथ गेंदबाजी का क्रम जारी रखते हुए और ये बहुत ही आसान सा मौका,
भूरा मलिक अपने आप से नाराज होंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंसती है। अहमद जो लगातार आप देख रहे हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, एक एंड से वही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका जो पैर छूटा है। सामना करेंगे अफजल हबीबी का। एक बार फिर हमसे दूर बारे छोड़ देते हैं, कदमों के साथ पार के करीब से गुजरे। इस बार मिडिल ईस्टर्न की गेंद थी, इसको बेहतरीन तरीके से खेला है, कोई वहां पर नहीं है। गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, चार रनों के लिए। यही क्रिकेट में होता है, अगर आपका कैच छूट जाए और उसके बाद चौका लग जाए तो गेंदबाज को थोड़ा सा परेशानी जरूर होती है, लेकिन सूरत हाल अगली गेंद के साथ अपने दूर वाले छोड़ देते हैं कदमों के साथ। गेंद की अच्छी गेंद थी, बेहतरीन शॉट खेला है और इसी के साथ एक और चौका। अब यहां पर धीरे धीरे कहता क्रिकेट क्लब की जो टीम है, हाजीपुर की जो टीम है, वो यहां पर बेहतरीन तरीके से अपने आप को अपने स्तर में डालती हुई और अभी तक 42 रन बना लिए हैं, 42 रन का स्कोर। एक बार फिर अब दूर बाले छोड़ से तेज कदमों के साथ गेंद की उठा कर मारा है और इसी के साथ ये आउट हो गया। ये लड़के कैच लिया है, संतुलन को बनाया, बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी। अरशद जो कि जकलन से महसूस कर रहे थे, अरशद का कैच अरशद ने लिया, एक लंबा छक्का लगाते थे इसको लेग अंपायर के ऊपर से, लेकिन बेहद इत्मीनान के साथ धैर्य दिखाते हुए अरशद ने कैच लिया और इनका समाप्त किया। बनी भाई हमारे यहां से लगातार आप देख सकते हैं चेयर अप करते हुए और अपना पूरा एक्सपीरियंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरा अपना एक्सपीरियंस देते हुए यहां पर अपने निर्देश कैच के लिए क्या कहना चाहते हैं बनी भाई। एक बार कैमरामैन जरा हमारे सामना करे, बनी भाई क्या अपने लड़कों की तारीफ। कैच था बहुत हाइट का कैच था और बहुत ही अच्छी तरह से अरशद ने उसको पकड़ा, अरशद का कैच अरशद ने ही लिया, बहुत बढ़िया। जो कि नए बल्लेबाज इस समय क्रीज पर पहुंचे हैं आउट होने के बाद, और मास्टर जी गेंदबाजी करने के लिए आए हैं इस समय। हमने पिछले मुकाबले में देखा था, हमारे जानने वाले जितने भी जो दोस्त हैं उन्होंने सबने कहा था कि मास्टर जी की गेंदबाजी मुरलीधरन की याद को ताज़ा करती है, जो हाफ ब्रेक बल्लेबाज को बहुत लेग से वो आउट कर देते थे। हमें याद है एक बार उन्होंने कई बल्लेबाजों को आउट किया है, तो क्या आज उसी तरीके की आमिर गेंदबाजी कर रहे हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं, स्पिन के जादूगर हैं, जीत की बादशाहत को बरकरार रखना चाहती है सेविंजर क्रिकेट टीम। अगली गेंद और इस बार फुल टॉस गेंद थी, हालांकि चार रनों के लिए कोई मौका नहीं, यॉर कराने के चक्कर में फुल टॉस दे बैठे। चार रन यहां पर जरूर लगे हैं, स्कोर हो गया है 46। यहां पर क्रॉस के पल्ले से निकला हुआ ये बेहतरीन चौका है और इसी के साथ फिरोज कोई रन नहीं बना, 48 रनों का स्कोर अभी भी। अगली गेंद के साथ मास्टर जी और इसी के साथ ये मुझे लगता है मास्टर जी को विकेट मिल गया। स्पिन के जादूगर मास्टर जी जाल में फंसाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि बल्लेबाज समझता है इस पे छक्का लगाएंगे लेकिन बल्लेबाज आउट होता है। बनी भाई के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है आज यहाँ हमारे कमेंट्री बॉक्स से यहाँ पर बड़े खुश नजर आ रहे हैं, क्यों ना खुश नजर आए जब टीम जीती है। ये देखिए आउट होकर पवेलियन जाते हुए अपने आप से काफी निराश होंगे बल्लेबाज फिरोज जैदी, जो कि आउट हो गए हैं और काफी नाराज यहां पर कुछ बातचीत करते हुए। अब तीन बल्लेबाज पवेलियन आउट हुए हैं और देखते हैं कि चौथे बल्लेबाज कौन से हैं जो 50 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। आकिब, आकिब साहिल आकिब का, आकिब अगली गेंद के साथ और इस बार बहुत अच्छी विकेट, जैसा मैंने आपको बताया आकिब बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, एक बड़े ऑलराउंडर्स हैं और देखो उन्होंने करिश्मा करके दिखाया, आते ही उन्होंने बड़ी मछली जाल में फंसाई और यहां पर एक बहुत ही बड़ा विकेट आउट होते हुए अपने आप से वापस निराश जाते हुए शकील इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अपने आप से काफी नाराज होंगे। हालांकि आउट हुए हैं, कोई भी बल्लेबाज अगर कम रन बनाता है तो निश्चित तौर पर उसे दुख तो जरूर होता है। ये देखिए ये मास्टर जी का खेमा देख सकते हैं, मखमली घास, खूबसूरत ग्राउंड जहां पर एक समय खुशी की लहर, और आप देख सकते हैं अगले बल्लेबाज इस वक्त आए हैं फैजान, तभी आना बाकी है। बिल्कुल ये देखिए अगली गेंद के साथ और इस बार बेहतरीन गेंद, क्या कैच ले सकते हैं फिरोज, लेकिन सिक्स हो गया। बहुत ही तगड़ा शॉट लगाया यहां पर, कोशिश प्रयास की गई लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से
फिरोज ने कोशिश की लेकिन उनकी पहुंच से दूर और इसी के साथ ये 6 रनों के लिए और स्कोर हो गया है 57-57 रन। आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार होते हुए आठ ओवर समाप्त हो चुके हैं 57-4। इसमें तो बहुत गर्मी लग रही है। कुटे का दूसरा ओवर टीम का ये नवा ओवर फेंकने के लिए तैयार होते हुए अगली गेंद के साथ इस बार और क्या कैच किया टीम का एच नंबर एक बहुत बड़ा विकेट। भैया आ गए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे भैया आ गए। 30 रन बनाने के बाद आउट हो गए। बेहतरीन आती बढ़िया मछलियां जाल में फंस चुकी हैं। कांटा डाला, मछली को जाल में फंसाया, लालच दिया, कवर्स के ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस समय सेवेंजर की टीम कितना जोश खरोश और आउट होकर ये वापिस जाते हुए अहमद बहुत लंबा संघर्ष किया लेकिन आखिरकार वो आउट हो गए। एक बहुत ही बड़ा विकेट गिरा है। 5 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं, आधी टीम पवेलियन का रास्ता तय कर चुकी है। अब इंतजार है क्या फजल खान आएंगे या उनके वालिद साहब। जी हाँ बिल्कुल, आप इनकी पर्सनैलिटी को देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। और फजल भाई के लिए देखिए तालियां बजती हैं, हमारे सनी भाई देखिए तालियां बजा रहे हैं। इनको मालूम है कि ये जो क्रिकेट मुकाबला है ये एक दिलों को जोड़ने वाला मुकाबला। हार भी आ गई, स्कोर पर नॉट आउट है जिन्होंने 11 गेंदों का सामना किया है। 202 रन का लक्ष्य का पीछा करती हुई समय की टीम और आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार होते हुए आखिर इस गेंद पे क्या होता है। फजल खान पूरी तरह तैयार होते हुए इस बार हल्की गेंद की कलाइयों का स्पॉट किया है लेकिन शॉर्ट कवर पर मास्टर जी आते उठाते गेंद को पकड़ते बॉलिंग की तरफ जाते तो एक ही रन लेने में कामयाब। स्कोर 66-65 रन, 10 ओवर में 65 रन सही है। मास्टर जी हैं फजल भाई सामना कर रहे हैं। मास्टर जी गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर तैयार हैं, अपना कोटे का तीसरा ओवर अपनी टीम के लिए 11वां ओवर लेकर आए हैं और मास्टर जी ने 2 सफलताएं ली हैं। भैया लोगों के दांत तोड़ते हैं, जरा इनको ध्यान रखिएगा अगली गेंद के साथ। एक बार फिर मास्टर जी की अगली गेंद, इस समय आग उगल रहे हैं मास्टर जी। इस बार बेहतरीन शॉट खेला है लेकिन 4 रनों के लिए इस बार कोई मौका नहीं मिड विकेट के बाहर। स्कोर हो गया है 73 और यहाँ पर देखिए शिकारपुरिया जिन्होंने आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी और लगातार यहाँ पर चौकों की बारिश की थी तो क्या आज इमरान शिकारपुरिया अपने शिकार को दबोचेंगे ये आने वाला समय बताएगा। और यहाँ पर स्कोर हो गया है 76। बहुत ही आसान सा मौका था यहाँ पर फिरोज के लिए लेकिन अपने आप से नाराज जरूर होंगे कि शायद यहाँ पर इमरान शिकारपुरिया ने शिकार को दबोच लिया था। मुकाबला चलता हुआ अगली गेंद एक बार फिर इमरान शिकारपुरिया की और इसी के साथ ये 6 रनों के लिए बेहतरीन शॉट खेला है फैजान इस समय। जी हाँ बिल्कुल, जीवन दान मिलने के बाद हर बल्लेबाज अपनी लय में आ जाता है और लय में आते हुए फैजान इस समय, फैजान ने ताबड़तोड़ इस समय बना दिए हैं 24 रन। टीम का स्कोर हो गया है बेहतर क्रिकेट क्लब का 202 रन का लक्ष्य का पीछा करती हुई 12 ओवर में 84 रन बना दिए हैं 5 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद। तो काफी जबरदस्त यहां पर मुकाबला चलता हुआ और देख पाले हुए फैजान अच्छी बैटिंग करते हुए एक बार फिर मास्टर जी हमसे दूर वाले छोर से दौड़ना शुरू करते हुए अंपायर को क्रॉस किया। इस बार बेहतरीन तरीके से खाली क्षेत्र देखकर खेला गया जा रही है और इसी के साथ बेहतरीन शॉट लगाते हुए 4 रनों के लिए फजल खान के बल्ले से। जैसा कि मैंने बताया कि धीमी गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, शायद उनके हमारी आवाज़ को सुना और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चौका लगाया और इसी के साथ 10 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच गए चौके के साथ में। और इस चौके के साथ में बेहतर क्रिकेट क्लब हाजीपुर का क्रिकेट टीम का स्कोर हो गया है 88-88 रन 5 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद। धोनी को वहां पे लगाया गया है ताकि कैच की गुंजाइश रहे क्योंकि बल्लेबाज की कमजोरियों को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। और इस बार लेग साइड पे खेला है खराब गेंद मास्टर जी की, फुल टॉस गेंद को अच्छी नसीहत और 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। स्कोर 92-92 रन। तो धीरे धीरे गेयर बदलती हुई टीम, फजल खान अपनी लय में आते हुए 92 रन बना दिए हैं।
रहा था। ये क्रिकेट महान अन्य चिताओं का खेल है, कभी कुछ हो जाए इसके बारे में कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या मास्टर जी की गेंद है, हवा में लहराती हुई गेंद, मिडिल स्टंप से थोड़ा सा लेग स्टंप पे आई, तालियां बजी। 95 रन बन चुके हैं 13 ओवरों में, 5 विकेट के नुकसान पर। भूरा मलिक एक बार फिर अपने दूसरे स्पेल में कमेंट्री बॉक्स एंड से दौड़ना शुरू करते हुए बेहतरीन शॉट खेला है, 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं इस समय। फजल खान ने बेहतरीन तरीके से इसको पॉइंट के बाहर खेला है। पहली गेंद पर भूरा मलिक की चौका लगने के बाद प्रेशर जरूर इस समय भूरा मलिक के ऊपर। स्कोर 99-99 रन, 1 रन दूर है 3 अंकों से। बेहता क्रिकेट क्लब की टीम 102 रन, अब 100 रन बनाना है जीतने के लिए। 15 से ज्यादा की एवरेज पहुंच गई है। भूरा मलिक एक बार फिर हमसे दूर वाले छोड़ते तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू करते हुए और बेहतरीन शॉट खेला है 6 रनों के लिए, जबरदस्त यहां पर 110 मीटर का बेहतरीन छक्का, जो जीवन दान मिला था फैजान को वो जीवन दान यहां पर उसका पूरा फायदा उठाते हुए स्कोर 108 रन पहुंच गया है छक्के के साथ। चलो अगली गेंद के साथ एक बार फिर तेज कदमों के साथ दौड़ते हुए भूरा मलिक अंपायर के करीब से गुजरे और क्या गेंद फेंकी इस बार, लेकिन यहाँ पर शायद यहाँ पर ये 4 रनों के लिए गेंद बाई के रूप में। 10 रन बन चुके हैं, 2 गेंदें फेंकी हैं और इसी के साथ स्कोर 112 रन। आज आपकी भाई का दिन है। एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं स्पिन आक्रमण कमेंट्री बॉक्स एंड से, इस बार अच्छी गेंद और बोल्ड कर दिया आखिर में अपने जाल में, ये बल्लेबाज को फंसाते हैं और क्या गजब की विकेट ली है। आसिफ इस टीम की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन मास्टर जी देखिए फजल खान के पास जाते हुए उन्हें गले लगाते हुए कि बहुत अच्छी पारी खेली, और फजल खान जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए। हालांकि निराश जरूर होंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया इस समय फजल खान आउट होने के बाद पवेलियन जाते हुए, हालांकि बहुत अच्छा साथ दिया फैजान का, एक अच्छी पारी खेली, सराहना करनी होगी फजल खान की जिन्होंने एक बहुत अच्छे शॉट लगाए। ये गुल्लू भाई थे हमारे, गुलशन साहब बहुत तारीफ करते। अगली गेंद यहाँ पर बेहतरीन तरीके से और क्या यहाँ पर ये भरपाई करते हुए बेहतरीन कैच यहाँ पर और लगातार यहाँ पर आखिर बहुत ही सक्षम, मैंने आपको बताया गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सेवेंजर क्रिकेट टीम, लेकिन यहाँ पर पूरा अनुभव देते हुए मास्टर जी ने बहुत ही अच्छा, ये देखिए बनी भाई रवि, अरे भाई ये देखिए आप बनी भाई को, इन्होंने पूरा अनुभव दिया है, क्या कहना चाहते हैं बनी भाई हमारे बीच में। बहुत ही अच्छा आकिब का प्रदर्शन और उसी से उससे भी ज्यादा अच्छा भूरे का कैच था, ये बहुत अच्छा कैच, एक बार कैच छूट चुकी थी इनकी, और कहते हैं ना क्या कहते हैं, जब कैच छूटती है तो बल्लेबाज और ज्यादा हावी हो जाता है, तो हावी होने नहीं दिया टीम सेवेंजर ने, कर लिया कैच, आउट कर दिया, बहुत अच्छी आकिब की बॉलिंग। आप क्या कहना चाहते हैं लगातार यहाँ पर आकिब भाई, मैंने आपकी मैच छापते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं यही कहूंगा, देखो अगर अच्छा प्रदर्शन, मैं तो यही दुआ करूंगा कि वो ऐसे ही खेलता रहे और यहाँ से वो किसी बड़े लेवल पे भी जाके खेले, ये मेरी दुआ है आपके लिए। चलिए बहुत अच्छी बात कही है बनी भाई ने और अपना पूरा एक्सपीरियंस दिया है, उन्होंने ये कहा है यहाँ से खेल के वो भारतीय टीम में जाएं, आईपीएल में जाएं, बहुत ही सक्षम खिलाड़ी हैं, बहुत ही होनहार हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। एक बार फिर बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए लगातार यहाँ पर विकेट की झड़ी लगती हुई, एक बार फिर हमसे दूर वाले छोड़ते तैयार होते हुए नए बल्लेबाज, क्या यहाँ पर कैच हो जाएगा और ये क्या फिर दिखाओ एक बार फिर यहाँ पर, पहले देखो सेविंजर क्रिकेट टीम को देखिए यहाँ पर, ये देखिए जबरदस्त क्या गजब का यहाँ पर प्रदर्शन, जरा कितना स्कोर है बताओ, ये देखिए इस समय शौकीन मलिक इस समय नए बल्लेबाज क्रीज पे पहुंचते हुए, अरे बांग्लादेश वाला काम मत करना और यहाँ पर देखिए दो की जगह चार, पहली बार इस मुकाबले में उनको मौका मिला है, देखते हैं किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, और शौकीन ने उठाकर मारा है और फिरोज़
और ये विकेटों की झड़ी लग गई है। तू चल माया आया आके बहुत जबरदस्त है और पूरा और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त विकेट, निश्चित तौर पर यहाँ पर खुशी की लहर क्यों ना हो, क्योंकि आप बहुत ही जबरदस्त मुकाबला जीत रहे हैं। 113 रन अभी तक बने हैं, 9 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं। अरे क्या कहना चाहते हैं आमिर भाई, आपने कुछ आज अपना अनुभव नहीं दिया यहाँ पर, आप कुछ अनुभव जरा शेयर करिए हमसे। नौशाद भाई देखिए, कभी कभी ऐसे मैच देखने को मिलते हैं तो मैं पूरा मजा ले रहा हूँ मैच का। जी हाँ बिल्कुल, कमेंट्री जब मैं संभाला हूँ तो माशाल्लाह आप इतनी अच्छी कैमरामैनी संभाले हुए हैं। जारी रखेंगे, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, सक्षम गेंदबाज हैं, बल्लेबाज को पूरी तरीके से परेशान करते हैं और जो ललचाई हुई गेंद होती है बल्लेबाज उसको छक्का लगाने के चक्कर में कैच आउट देर बैठते हैं। विकेट के नुकसान पर 118 रन अगली गेंद के साथ। एक बार फिर हम तो दूर वाले छोर से और एलबीडब्ल्यू की अपील और मुझे लगता है आउट है, लेकिन अंपायर ने कहा कि शायद ये आप स्टंप से बाहर है, तो 4 रन यहां पर लेग बाई के रूप में हैं या बल्ले से ये तो अभी नहीं पता चला, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये बल्ले से हैं, अगर लेग बाई होते तो अंपायर इशारा करते। स्कोर हो गया है 124, 124 रन 9 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद। 17 ओवर का खेल अब समाप्त हो चुका है, 18 गेंदों का खेल बाकी रह गया है और 18 कब यहाँ पर आखिरी बल्लेबाज आउट होते हैं और कब यहाँ पर सेवेंजर क्रिकेट टीम ये मुकाबला जीतती है। कैच है, मास्टर जी क्या कैच ले पाएंगे, नहीं उनकी पहुंच से काफी दूर। और इसी के साथ एक ही रन मिला, 130 रन 139 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद। फिरोज एक बार फिर गेंदबाजी का क्रम जारी रखते हुए, इस बार अच्छी गेंद थी और इसी के साथ ये अर्शद कैच लिया इमरान नत्था ने। इमरान नत्था ने यहाँ पर किस तरह का कैच लिया है, यहाँ पर जश्न का माहौल है निश्चित तौर पर, यहाँ पर बेहतरीन विकेट यहाँ पर, और इसी के साथ इस मुकाबले को खत्म किया है, फिनिश किया है, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला जीता है 32 रन से इस मुकाबले को। ये देखिए सेवेंजर क्रिकेट टीम इस समय अपने जोश में नजर आती हुई, बहुत ही जबरदस्त बहुत ही अच्छा मुकाबला। आमिर भाई क्या कहेंगे इस मुकाबले के लिए, बहुत शानदार मुकाबला जीता है यहाँ टीम सेवेंजर्स ने, पूरा एफर्ट दिखाया, अपनी जो काबिलियत थी वो सभी प्लेयर्स की देखने को मिली यहाँ पर, चाहे वो बल्लेबाजी की बात हो गेंदबाजी की हो, और फील्डिंग भी कुछ अलग नज़र आई इस मैच। उम्मीद करते हैं ये जीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा टीम सेवेंजर्स का। और जहाँ तक बात है भेटा टीम की, तो उनका भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, स्कोर बहुत बड़ा था, दबाव बहुत ज़्यादा था, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो मुस्तैदी के साथ लड़े, जहाँ तक ले जा सकते थे अच्छा स्कोर जो है वो लेकर गए, अच्छा खेले। फजल भाई का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा आमिर भाई, मुझे लगता है कि आज निश्चित तौर पर यहाँ पर आकिब भाई जो हैं वो मैन ऑफ द मैच के हकदार होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की रीढ़ की हड्डी मैं समझता हूँ यहाँ पर वो सेवेंजर क्रिकेट टीम के हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस समय, हालांकि दोनों ही टीमें अपने आप में बेहतर थीं और दोनों ने ही अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे आपने बताया 200 रन का जो टारगेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से आज सेवेंजर्स क्रिकेट टीम ने ये मुकाबला और एक शानदार तरीका है टीम सेवेंजर्स का। मैच के बाद सब गले मिलते हैं, दोनों ही टीम के प्लेयर्स हाथ मिलाते हैं। फाइनल और मास्टर जी का बराबर, बिल्कुल फाइनल मैच होगा, बड़ा रंग बिरंगा होगा, बिल्कुल, और ढोल ढोल ताशे के। आज का जो मैन ऑफ द मैच है हमारा एक बच्चा आकिब, आकिब भाई कहते हैं और क्या कहते हैं भाइयों, हमेशा की तरह मेरी तरफ से मैन ऑफ द मैच के लिए 500। बहुत बढ़िया,
ये मेरा भी बनता है ना, मेरी तरफ से बनता है।